हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिक हीरोज। मैं सर अंकित पांडे एंड टुडे आई एम हियर टू टेल यू अबाउट द टॉपिक चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 एक ऐसा टॉपिक है जो इन जनरल सभी लोगों को पता होना चाहिए और आने वाले एग्जाम्स के ऊपर इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस बनने वाले हैं, चंद्रयान 2 के ऊपर भी और चंद्रयान 3 के ऊपर। तो मैं दोनों के बारे में आप लोगों को ब्रीफली बताऊंगा इस वीडियो में। चंद्रयान 3 ये हमारा तीसरा मून मिशन है और ये लॉन्च होने वाला है 2021 में, अप्रोक्सीमेटली मार्च 2021 को ये लॉन्च हो जाएगा ऐसा इसरो ने बोला। एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है। लॉन्च ये 2020 में होने वाला था, लास्ट 2020 तक लॉन्च होने वाला था, बट ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक एंड लॉकडाउन इसरो को इसकी डेट एक्सटेंड करनी पड़ी। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, पिछले साल चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को, सतीश धवन स्पेस सेंटर से हमने लॉन्च किया था चंद्रयान 2। और सतीश धवन स्पेस सेंटर हमारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां से हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था और चंद्रयान 2 हमारा सक्सेसफुल भी था कुछ हद तक, बट कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम मीट नहीं कर पाए और जो ऑब्जेक्टिव्स हम चंद्रयान 2 से मीट नहीं कर पाए वो हम चंद्रयान 3 से करेंगे और मेनली इसी पर्पज के लिए चंद्रयान 3 भेजा भी जा रहा है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था चंद्रयान 2 में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर, लैंडर और रोवर का नाम दिया हमारे पास। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो ऑर्बिटर का क्या काम था, 100 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड पे मून से वो रिवॉल्व करेगा, मैपिंग एंड इमेजिंग स्टडीज करेगा, जो कि वो बहुत सक्सेसफुली कर रहा है। वो अभी भी हमारा ऑर्बिट के अंदर, मून के ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है और हमें सारी इन्फॉर्मेशन एंड डाटा भेज रहा है। और लैंडर का काम था कि वो मून पे लैंड करके रोवर डिप्लॉय करेगा और रोवर हमारा सैंपल्स कलेक्ट करेगा, मून से सैंपल्स कलेक्ट करेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका डाटा वो हम लोगों को देगा। पर ड्यू टू सम वेलोसिटी ग्लिच और क्रैश लैंडिंग हमारा लैंडर से कम्युनिकेशन टूट गया और कम्युनिकेशन अभी तक बन नहीं पाया हमारा, तो जिसकी वजह से हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं। तो चंद्रयान 3 में हमारा सिर्फ लैंडर और रोवर होगा, ऑर्बिटर तो हमारा चंद्रयान 2 का काम कर रहा है तो इसलिए हमें ऑर्बिटर की जरूरत नहीं है। तो चंद्रयान 3 में सिर्फ हमारा लैंडर और रोवर होगा, उसका नाम क्या है एग्जैक्टली हमको पता नहीं है, वो पता चलेगा हमको, बट चंद्रयान 2 के नाम आप याद रखना, एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि हमारा लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो बेसिकली ये डिफरेंस है दोनों में, जो कि आपका चंद्रयान 3 है उसमें सिर्फ लैंडर एंड रोवर है। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर हमारा काम कर रहा है और चंद्रयान 2 में दोनों था, चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर एंड रोवर जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात आती है लॉन्च व्हीकल की, ये किससे लॉन्च व्हीकल होते हैं, रॉकेट्स, जिससे ये सैटेलाइट्स हमारे स्पेस के अंदर जाते हैं। तो इसरो के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स थे, जैसे कि पहले था हमारे पास SLV, फिर ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV मार्क सेकेंड एंड GSLV मार्क थर्ड। तो जो हम चंद्रयान 2 हमने भेजा है वो GSLV मार्क थर्ड से भेजा है और चंद्रयान 3 भी सेम लॉन्चर से जाएगा। अब SLV और इन सब में डिफरेंस क्या, मैं आपको बताता हूँ। SLV हमारा स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल, स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल ये सिर्फ हमारा 40 किलो पेलोड लेके जा सकता है, 40 किलो, सिर्फ 40 किलो। और जो हमारा ASLV है, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हमारा लेके जा सकता है 150 kg। फिर आता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हमारा लेके जा सकती है 1860 किलो। फिर आता है हमारा GSLV मार्क सेकेंड, जो कि है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये हमारा लेके जा सकता है 2200 kg। फिर आता है लास्ट में जो कि पावरफुल है इसरो का इस टाइम पे, GSLV मार्क थर्ड, वो लेके जाता है 4000 kg, 4 टन लेके जा सकता है वो स्पेस के अंदर। तो दोनों चंद्रयान 3 एंड चंद्रयान 2 दोनों हमारे इसी व्हीकल से जा, चंद्रयान 2 भी इसी व्हीकल से गया था और चंद्रयान 3 भी इसी व्हीकल से जाएगा। और फिर आती है बात कि ये लैंड कहाँ करेगा, ये लैंड करेगा मून के साउथ पोल रीजन, जैसे कि अर्थ है, अर्थ का नॉर्थ साउथ दोनों पोल है और वैसे ही मून का भी सीन है। तो मून के साउथ पोल रीजन में लैंड करेगा, क्योंकि साउथ पोल रीजन जो है हमारा वो इस टाइम पे साइंटिस्ट का कीन इंटरेस्ट है, वो डार्क साइडेड है, मतलब कि अभी अनएक्सप्लोर्ड है और उनके हिसाब से वहां पे क्रेटर्स हैं, क्रेटर्स इन द सेंस कि गड्ढे हैं, जो हमको जरूरत है वो उस गड्ढे में मिल सकता है, उस गड्ढों में सनलाइट
प्रॉपरली जाती नहीं है, तो जो हमारा वाटर आइस है, फॉसिल्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड अदर वोलेटाइल सब्सटेंस, वो हमको वहां मिल सकते हैं जिसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 2 में तीनों था, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। लैंडर रोवर हमारा क्रैश हो गया, कम्युनिकेशन हमारा लॉस्ट हो गया उससे, इसलिए हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं जिसमें सिर्फ लैंडर और रोवर जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 को ऑर्बिटर हमारा काम कर रहा है। ये डिफरेंस है। और GSLV मार्क 3 से दोनों भेजे जाएंगे और ये लैंड होगा साउथ पोल पे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि ये शेयरेबल है तो शेयर कीजिए, और आपको हमें रिव्यू देना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।